गाइस, अगर आप लोग भी एक ऐसा एप्लीकेशन ढूंढ रहे हो जिसके मदद से आप लोग कंप्लीट सीवी एडिटिंग कर सकते हो, तो आप लोग सही वीडियो पर क्लिक हुए होंगे। क्योंकि गाइस, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को कंप्लीट सीवी एडिटिंग करने का एक न्यू बेस्ट एप्लीकेशन देने वाला हूँ, जिसके मदद से गाइस आप लोग सीवी एडिटिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो, जिसका नाम है फोटो डायरेक्टर। इससे पहले मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था एंड उस वीडियो पर आप लोगों ने अच्छा खासा प्यार दिया, इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखाऊंगा आप लोग कैसे कंप्लीटली सीवी एडिटिंग कर सकते हो फोटो डायरेक्टर एप्लीकेशन के मदद से। यानी गाइस, आप लोग बैकग्राउंड को कैसे इरेज कर सकते हो, कैसे बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, कैसे फेस को स्मूथ कर सकते हो, कैसे रिटचिंग कर सकते हो, सब कुछ इस वीडियो पर आप लोगों को सीखने को मिलेगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो एक लाइक करना। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गाइस, सबसे पहले प्ले स्टोर से फोटो डायरेक्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है एंड डाउनलोड करने के बाद गाइस सिंपली फोटो डायरेक्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप लोग जिस फोटो को एडिटिंग करना चाहते हो उस फोटो को आप लोगों को इनपुट कर लेना है। गाइस, कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एडिट वाले ऑप्शन, इसके अंदर प्रेस करना है एंड प्रेस करने के बाद गाइस आप लोगों को फोटो को इनपुट कर लेना है। ठीक है, सो गाइस मैं फोटो को इनपुट कर लिया। इनपुट करने के बाद गाइस आप लोगों को इसका जो बैकग्राउंड है सबसे पहले इरेज कर लेना है। फोटो डायरेक्टर एप्लीकेशन के अंदर बैकग्राउंड आप लोग बहुत ही इजीली इरेज कर पाओगे, वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, सो गाइस यहाँ पर आप लोगों को कटआउट टूल्स मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं मार्क करके दिखा देता हूँ एंड इस टूल्स के अंदर आप लोगों को प्रेस करना है। करने के बाद गाइस आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ऑटोमेटिक बैकग्राउंड कट हो जाएगा। अगर अच्छे से कट नहीं होता है तो गाइस आप लोग ऊपर जो इरेजर वाले ब्रश दिख रहे हैं ना, इसके अंदर प्रेस कर सकते हो। करने के बाद गाइस आप लोग मैनुअल तरीके से कट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैनुअल मोड मिल जाता है एंड इसको मैं फुल बॉडी से रिमूव कर देता हूँ एंड मैनुअल तरीके से हम लोग कट करेंगे। ठीक है, सच को बड़ा करके मैं रिमूव कर लेता हूँ। गाइस रिमूव करने के बाद आप लोगों को ब्रश को सिलेक्ट करके स्मार्ट ब्रश को ऑन कर देना है और उसके बाद गाइस आप लोगों को साइज को छोटा करके आप लोगों को कुछ इस तरीके से पेंट कर देना है एंड ऑटोमेटिक आपका जो एक जैसे है पकड़ लेगा बहुत ही प्रोफेशनल लेवल तक। एंड आप लोग देख सकते हो गाइस कितने इजी तरीके से बैकग्राउंड कट हो चुका है एंड इस प्रोसेस के मदद से गाइस आप लोग बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो। गाइस मैं और भी एक अलग वीडियो बनाया हूँ, उसको आप लोग जाकर देख सकते हो कैसे आप लोग प्रोफेशनल लेवल तक बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो, एक एक हेयर कट कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक पर लिंक है, उसे जाकर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, सो गाइस ये जो प्रोसेस है इस एप्लीकेशन के अंदर ही वर्क करेगा और किसी एप्लीकेशन के अंदर नहीं करेगा। एंड यहाँ से मैं सिंपली राइट क्लिक कर दूंगा एंड आप लोग देख सकते हो प्रोफेशनल लेवल तक बैकग्राउंड इरेज हो चुका है। आप गाइस आप लोगों को सिंपली राइट क्लिक करके फोटो को सेव कर लेना है पीएनजी में। ठीक है, सो गाइस पीएनजी में सेव हो चुका है। आप गाइस आप लोगों को सिंपली बैग आ जाना है एंड बैकग्राउंड को इनपुट कर लेना है। ठीक है, सो गाइस मैं बैकग्राउंड को इनपुट कर लेता हूँ। इनपुट करने के बाद गाइस आप लोगों को ऐड फोटो पर टैप करना है एंड यहाँ से गाइस आप लोगों को जिस फोटो का बैकग्राउंड अभी इरेज किया सिंपली उस फोटो को इनपुट कर लीजिए। ठीक है, सो गाइस मैं फोटो को इनपुट कर लेता हूँ। इनपुट करने के बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेना है। सो गाइस मैं अच्छे तरीके से भी एडजस्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को फेस को भी स्मूथ करके दिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दीजिए एंड यहाँ से मैं राइट क्लिक कर दूंगा। यस, आप लोग देख सकते हो गाइस कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है फोटो। एंड यहाँ से गाइस आप लोगों को जाना है पोर्ट्रेट टूल्स के अंदर एंड यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा स्किन स्मूथ एंड जूम करके गाइस आप लोगों को स्किन पर कुछ इस तरीके से पेंट करना है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं क्वालिटी लॉस हो जा रहा है, सो गाइस इसका भी सोल्यूशन मैं इस वीडियो के अंदर बताया हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना नहीं तो आप लोग कुछ भी समझ में नहीं पाओगे। सो कुछ इस तरीके से आप लोगों को फेस को स्मूथ कर लेना है। स्मूथ करने के बाद गाइस आप लोगों को सिंपली राइट क्लिक कर देना है। आप गाइस आप लोगों को जाना है यहाँ पर फिर से राइट क्लिक करके आप लोगों को जाना है एडजस्ट टूल्स के अंदर एंड यहाँ से गाइस आप लोगों को एक्सपोजर को ऑटो पर छोड़ के देखना है कैसा लग रहा है। गाइस अच्छा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा एक्सपोजर को कम कर देता हूँ एंड यहाँ से लास्ट में जाऊँगा HSL टूल्स के अंदर एंड यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करना है ऑरेंज कलर एंड लुमिनेशन को हाई कर देना है। ठीक है, जितना हाई करोगे उतना ही गोरा हो जाएगा फेस एंड यहाँ से सेचुरेशन को थोड़ा सा डाउन कर सकते हो आप लोग। ठीक है,
आप गैस अब लोगों को जाना है शार्पनेस पर, शार्पनेस को हाई कर देना है और उसके बाद गैस आप लोगों को HSL टूल्स के अंदर जाकर यहाँ पर जो भी कलर आप लोग छेड़छाड़ करना चाहते हो उसको आप लोग अपनी फ़ोटो के मुताबिक से छेड़छाड़ कर सकते हो, ठीक है। सो गैस मैं नहीं बताऊँगा एंड आप लोग अगर फुल ट्यूटोरियल चाहते हो नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आप लोगों को सिखा दिया कैसे आप लोग CV एडिटिंग कर सकते हो और भी फुल HD क्वालिटी में, ठीक है। आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप गैस आप लोगों को सेव करने के लिए 3 डॉट वाले ऑप्शन के अंदर प्रेस करना है एंड यहाँ से गैस आप लोगों को एक बार बैक कर लेना है, फिर से उसी टूल्स के अंदर जाना है, सेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर टैप करके मैक्सिमम इमेज साइज कर देना है, फुल्ली हाई कर देना है, ठीक है। और उसके बाद गैस आप लोगों को बैग आ जाना है, आप यूज़ कर लीजिए फोटो को सेव एंड आपका फोटो सेव हो जाएगा फुल HD में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करो, इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।